गन्ना उत्पादक हरियाणा में सहकारी चीनी मिलों पर किसानों का 314 करोड़ रुपए बकाया है। इसी की वजह से किसान परेशान है, उन्हें खरीफ सीजन में खेती के लिए पैसा चाहिए। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि सभी सहकारी चीनी मिलों की ओर से लगभग 314 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान 5 जुलाई तक कर दिया जाएगा। इसी प्रकार निजी मिलें भी बकाया राशि का भुगतान किसानों को जल्द करेंगी। चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने ये आश्वासन दिया है। वहीं बता दें कि अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि मिल की ओर से गन्ना बकाया राशि का भुगतान निश्चित समय में हो जाना चाहिए। वहीं बैठक में बताया गया कि नारायणगढ़ चीनी मिल लिमिटेड द्वारा 2021-22 सीजन के लिए किसानों को 172.69 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। शेष 59.15 करोड़ रुपए का भुगतान भी जल्द किया जाएगा। यह भी बताया गया कि 2021-22 सीजन के लिए 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा निजी मिलों को लगभग बता दें कि 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। 4 निजी चीनी मिलों को राज्य सरकार ने सब्सिडी दी है। इनमें सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपये, मई पिकार्डली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भादसों को 12.84 करोड़ रुपए, वहीं नारायणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपए और असंध मिल को 6.39 करोड़ रुपए दिया जाना शामिल है। बैठक में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, वहीं बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग के महानिदेशक एवं हरको बैंक के प्रबंधक निर्देशक सहित कई अधिकारी वहां मौजूद रहे। बता दें कि नारायणगढ़ सुगर मिल्स पर बकाया को लेकर पिछले दिन किसानों ने प्रदर्शन भी किया था। हरियाणा में 11 सरकारी चीनी मिलें हैं। यहां गन्ने का भाव सबसे अधिक 362 रुपये प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। सरकार इन चीनी मिलों का घाटा भी कम करने की कोशिश में जुटी है। यहाँ की चीनी मिलों से चीनी के अलावा एथेनॉल भी निकाला जा रहा है ताकि उनकी इनकम में इजाफा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स।